अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरिश खान और आज मैं जा रही हूं गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी केपीके जो के सवाबी की एक डिस्ट्रिक्ट टोपी में है। तो आए ट्रैवल करते हैं और मैं आपको बताती हूं कि किस तरह हम देश में ट्रैवल कर सकते हैं और कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं रावलपिंडी गई, मंडी मोड़ पहुंची, वहां पर ये हाइस्ट जाती हैं जो कि आपसे 250 लेते हैं, यानी कि 250 रुपये लेते हैं आपसे। तो मैंने दो ही टिकटें ले ली थी फ्रंट की, तो इट्स वेरी गुड ताकि मेरा सफ़र जो है ना ईजी गुजर जाए और आराम से गुजर जाए। तो स्टार्ट हो गया सफ़र की, आपको जो है ना 2.5 घंटे लग जाते हैं पहुँचते हुए टोपी में ही। गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी है तो आप ये देख सकते हैं, ये तरबेला डैम आ चुका है और ये आपको सारे मनासर इस वक्त नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जी दो डैम भी हैं, दरिया भी है और पहाड़ भी हैं, मैदान भी बड़ा खूबसूरत है। ये रास्ता बड़ा प्यारा लग रहा था, रास्ता मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यकीन आपको भी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। तो ये मैं जो है जब पहुँची हूँ तो उसके बाद फिर मैंने वापसी का भी ट्रैवल इसमें इंक्लूड किया ताकि आपको पता चले कि दोनों तरफ का मैंने किया, वन वे का नहीं ट्रैवल किया। तो इसमें मिक्स है वीडियो, तो उसमें ड्राइवर के साथ भी मैं बातचीत करूँगी। जब मैं वापस जा रही थी तो उनसे मैंने बातचीत की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया था टोपी के बारे में। तो आइए आप लोग भी सुनिए क्या कहा था उन्होंने और इन्जॉय कीजिए ये ट्रैवल। इसका नाम टोपी क्यों है? ये पहाड़ है ना। अच्छा, ये आप मुझे बता रहे थे कि इसका नाम टोपी क्यों है? ये चारों तरफ उसको पहाड़ है तो ये जैसा टोपी की तरह लग रहा था। अच्छा, तो बता रहे बुजुर्ग इसका टोपी नाम एक अंग्रेज ने रखा हुआ था, किसी अंग्रेज ने रखा था इसका नाम। टोपी की तरह है, पूरा टोपी की तरह है, सर पे नहीं रखते, सर पे रखते थे टोपी। तो इधर आया था अंग्रेज यहाँ पर? अब सुना है ऐसा हमारा, सुना है पुराने जमाने का, ये पुराने जमाने का, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत जमाने पुराने जमाने का। तो आप यहाँ के रहने वाले टोपी के? नहीं, मैं तो इधर पैदा इधर हुआ हूँ, जैसे कि हम हैं आर्यपुर के इसराय सारे का। आर्यपुर के यहाँ से कितना दूर है? सारे आर्यपुर डेढ़ घंटे का रास्ता है, चीज मशहूर है टोपी में। मछली यहाँ पर मशहूर है टोपी में, अगर कोई आए तो मछली खा सकते हैं। जी जी, दरिया सिंध इधर भी होता है। इधर अभी वो डैम भी आया था, तरबेला डैम था वो। तरबेला के बाद कौन था? हाजी हाजी गाजी 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 डैम, बरोडा गाजी बरोडा डैम, बड़ा मुश्किल नाम है। तो ये दो डैम यहाँ पर हैं। आप कह रहे हैं मछली यहाँ पर मशहूर है, यहाँ पे डैम है, क्या चीज़? घोड़ी यहाँ पर मशहूर है। यहाँ पे सब्जा बहुत ज्यादा है यहाँ पे। क्योंकि ग्रीनरी है यहाँ पर बहुत ज्यादा और दरिया है इसलिए यहाँ पे सब्जा है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, वो मैं देखूंगी भी आएगा यहाँ पे। तो जी जी, ये सामने पहाड़ भी हैं यहाँ पर, दरिया भी, ये दोनों चीजें यहाँ पर हैं, चारों तरफ पहाड़ है और यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर है, मशहूर है।
डैम है, ये भी है तरबेला डैम जी जी, ये जो इंडस्ट्री के कारखाने बने हुए हैं, कारखाने भी बने हुए, इंडस्ट्री भी है, सब चीज़ इधर लगाई हुई है। ये गन्ने की फसल भी है, गन्ना यहाँ पे है, ये नहर भी आ गई है। रास्ते में अभी गुड़ भी जहाँ पे बनाया जाता है वो भी आएगा अभी। यहाँ पर गुड़ बनता है, यहाँ पर भी गुड़ बनता है। रश हो जाएगा जब गर्मी हो। यहाँ पर ये शादी हाल नहीं है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। जी दोस्तों, यकीनन आपको आज की ये वीडियो देखकर इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और अच्छा भी लगा होगा। कुछ इसी वे है आपको जो मैंने बताया ट्रैवल करने का, आप मंडी मोड़ जाइए रावलपिंडी में, वहाँ से आप 250 में सिर्फ जो है ना हाईएस्ट में बैठ जाइए और आप टोपी उतरना है, टोपी से आपने 150 में रिक्शा लेना है और गुलाम इसहाक यूनिवर्सिटी आप पहुँच जाएँगे। सबसे ईजी वे है, अदरवाइज़ आप टैक्सी के जो पैसे भरेंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो उससे बेहतर आप इजी ट्रैवल कीजिए। अगर कंफर्टेबल करना चाहते हैं तो आप फ्रंट की दो सीटें ले लें, अगर आप अकेले हैं तो बेस्ट है। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, यकीनन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी रिगार्डिंग ट्रैवलिंग और इजी ट्रैवलिंग के। खुदा हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।